हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और नया ट्रेंड चला है, मतलब पाकिस्तान के ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चला है। मुझे अभी अभी खबर मिली है क्योंकि शलवार ट्रेंड कर रही है, मतलब शलवार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, पूरी शलवार ट्रेंड नहीं कर रही है। तो ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है वो देखेंगे हम, एंड रिएक्ट करने वाला हूँ मैं इस शलवार ट्रेंडिंग ऑन पाकिस्तान ट्विटर क्यों कर रहा है भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ। मतलब अजीब से एक बात है, लड़की का फोटो भी है, चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें डिटेल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओह अच्छा, सलवार गायब है भाई इस लड़की की, इसलिए ट्रेंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, जैसे मामूल हमारा होता है, हम लोग बैठ के जो है वो देख रहे होते हैं फेसबुक पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। अचानक ट्विटर पे मेरे सामने ट्रेंडिंग वीडियोस में एक हैशटैग आता है, एक ट्रेंड आता है शलवार। मैं हैरान हो जाता हूँ यार, ये पाकिस्तान में शलवार क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये शलवार क्या है, मतलब किसकी बात हो रही है शलवार। मुझे लगा शायद फिर किसी की इज्जत को उछाला गया है, फिर किसी लड़की की इज्जत को छाला गया होगा, इसलिए शलवार जो है वो ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग शलवार। तो मैंने जब खोला तो एक लड़की है काले लिबास में जिसने शलवार नहीं पहनी हुई थी, कमीज पहनी हुई है मगर शलवार नहीं पहनी हुई लड़की है, किसी ने कुछ तस्वीरें उसकी शेयर की हुई। मुझे लगा कि हो सकता है किसी की प्राइवेट गैलरी लीक हो गई हो, होता ना प्राइवेट फोटोज होती हैं, किसी ने लोगों ने होता है पहले बाजी में भी कुछ हमारी एक्ट्रेस थी उनकी कुछ वीडियोस कुछ तस्वीर लीक हो गई थी जो कि ना जेबा थी, लेकिन ये लोग खींच के अपने मोबाइल में रख लेते हैं, मोबाइल गुम जाए चोरी हो जाए या अगर बेच दें तो वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती। मुझे लगा किसी की लीक हो गई है तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैंने कुछ कॉमेंट्स जब पढ़े तो वो खातून के जिनकी वो तस्वीर थी उनका अपना कॉमेंट था, और वो कॉमेंट क्या था मैं आपको पढ़ के सुना रहा, तो मैं हैरान हो गया। नाम इनका अलीना है, मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम अलीना है, अलीना खान। तो जो कि उन्होंने, मैं इस्लाम इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ छुपा के नहीं रखा तो मैं फिर छुपाने वाला कौन होता हूँ। तो वो लिखती है कि उनको शलवार के बगैर बाहर जाना अच्छा लगता है, आई लव गोइंग आउट विदाउट शलवार, ये वो लिखती है। और अपनी फोटोज और अपनी वीडियोज शलवार के बगैर चलते हुए आते हुए जाते हुए, और अगेन जो मंजर है जो नजर आ रहा है उस वीडियो में वो मंजर बाहर का मंजर है, मतलब वो मंजर ये नहीं है कि घर के अंदर हो रहा है, वो लग रहा है घर की छत में या घर के सहन में वो ये काम कर रही हैं, और वो बता रही है कि उनको बाहर जाना अच्छा लगता है। अभी वो इतना बाहर आई थी इन घर की छत पे या घर के सहन में आई है, उनको अंदाजा नहीं कि अगर वो इस हालत में घर से बाहर निकल जाती गली में आ जाती तो उनके साथ क्या होता है, वो जो उनको इतना अच्छा लगता है ना शलवार के बगैर घर से बाहर जाना, तो उनके साथ क्या क्या कुछ हो सकता था। क्योंकि हमारे मुल्क में जो लड़कियां जो बच्चियां जो खवातीन पूरे कपड़ों में होती हैं उनके साथ जो कुछ हो जाता है आपको पता है, फिर वो लड़कियां जो हिजाब में होती हैं उनके साथ जो हो जाता है वो भी आपको पता है। अब उन्होंने इसको जस्टिफाई किया, यहां पे कुछ ट्वीट्स उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं वो मैं आपको सुना देता हूं। द पॉइंट इज आई एम नॉट वेयरिंग पैंट्स कॉज मेरी मर्जी, अच्छा यू लुक बेटर इन लेस क्लोथ्स, आप कम कपड़ों में अच्छे लगते हो, ये उनका मौकफ है। It's 2021 and you all are still wearing shalwar. Again, LMAO, like lots. मैं उसका तर्जमा नहीं करता, बुरी बात है। वो लिखती है कि 2021 आ गया है और अभी तक आप शलवार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब या अब एक और लड़की है जो कि उनकी यूं कह लें कि उनके हक में बात करने आई है और उन्होंने एक बात की है, वो आपके सामने मैं दिखा देता हूं आपको, आप पढ़ लें, मैं बोलूंगा नहीं उसको। तो वो भी कहती है कि काला मेरा फेवरेट रंग है। अलबत्ता बात यह है कि इस खातून ने, मुझे नहीं पता इनका दिमागी तवाजुन ठीक है या नहीं है या ये अटेंशन ग्रैबर है, अटेंशन सीकर है, इन्होंने जो हरकत की है उस पर ट्विटर पर मुझे दो कॉमेंट नजर आए। कौन सा फेमस, मेरे लिए हैरानी के बायस ये था कि अगर ये जो शलवार ट्रेंड कर रहा था दोस्तों, इसमें दो चीजें थी, एक तो इस लड़की को बुरा भला कहने वाले, इसको शर्म दिलाने वाले बहुत से भाई मौजूद थे वहां पे, गलत काम कर रही हो नहीं करना चाहिए और सही कर रहे थे, ठीक तो हाँ देना, लेकिन इसके हक में बात करने वाली बहुत सी खवातीन भी थी। हाँ, अब जो गलत कह रहे थे उनमें खवातीन मर्द दोनों थे, लेकिन जो उसको ठीक कह रही थी कि ये ठीक कर रही है इसके जिस्म इसकी मर्जी, उनमें खवातीन ही थी। तो मुझे ये थोड़ा सा अफसोस हुआ क्या है कि हमारे मुल्क में जो विमेन एम्पावरमेंट है ना उसका मतलब बाज़ ख़वातीन ने बना लिया बेहयाई, आप बेहयाई करो
आप एम्पावर हो जाओ, नाम दे दिया मतलब अगर आपको औरत को खुद को ताकतवर महसूस करना है तो वो कपड़े उतार देगी। ये किस तरह की एम्पावरमेंट है भाई? और मैं ये तमाम औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ऐसी सोच रखती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपका जिस्म आप ही की मर्जी है, आप ही ने उसके साथ करना है जो करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके जिस्म पे आप इतनी मर्जी चला सकते हो कि आपने उसके साथ करना क्या है, आपने कितना बेलबास होकर बाहर निकलना है, ये माशरा तय करता है। मैं अब मजहब की बात नहीं कर रहा, वरना फिर मुख्तलिफ फिरकों की बात हो जाती है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, मैं वो बात कर ही नहीं रहा। अब इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने एक बहस छेड़ दी, ट्विटर पे अपनी तस्वीरें शेयर कर दी, तकरीबन यूं कह लें कि नीम बराना शेयर कर दी, इन्होंने खुद उसकी उसको प्रोटेक्ट करने, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी लोग आ गए, और अक्सरियत उन लोगों की आ गई जो कंडेम कर रहे हैं उस लड़की को। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है कि क्या हमने डिसाइड करना है अभी कि हमने किस तरफ जाना है? अभी भी हमने डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ जाना है? अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या इस लड़की की हिमायत करनी है या नहीं करनी है? हो सकता है इस लड़की का दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, सकता है ये अटेंशन सीख करो। और एक और काम जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, जो कि वो लड़कियां जो तरक्की करना चाहती, बस सबकी बात, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी अदर गर्ल, मैं बात करूं बड़े सिलेक्टिव ग्रुप की जो कि शॉर्टकट्स लगाना चाहता है, जिसको लगता है कि मेर एग्जिस्टेंस एंड ओनली बीइंग अ गर्ल विल मेक हर सक्सेसफुल। बाज लड़कियां सोचती हैं क्योंकि वो सिर्फ लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। फिर क्या होता है, उनके सामने शॉर्टकट्स के पहाड़ होते हैं, वो शॉर्टकट अपनाती जाती हैं, तरक्की के मनासिल तय करती जाती हैं, मगर वो तरक्की बड़ी शॉर्ट टर्म तरक्की होती है। मेरा एक रहा है कि ऐसी लड़कियां, मैं सबकी बात अगेन नहीं कर रहा, ऐसी खवातीन, ऐसी लड़कियां अपने आप को सिर्फ लड़की होने के बलबोते भी क्यों मनवाना चाहती हैं? आप में जो टैलेंट है उसकी बात करें, रही से कसर टिकटॉक ने निकाल दी। टिकटॉक ने क्या किया, वो लड़की जो कि यूं कह लें कि घर में थी, घर से काम करती थी, स्कूल में कॉलेज में जाती थी या फिर जॉब करती थी, उसने उस लड़की को उठा के टिकटॉक ने उसने गली में बिठा दिया कि जनाब वो अब मतलब उसने कुछ अपना सीक्रेट रखा ही नहीं है। टिकटॉक पे आके, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसा भी काम कर रही है जिनके पास बाकी टैलेंट, अच्छा गा लेती हैं, अच्छा बोल लेती हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन दे देती हैं, वो टिकटॉक पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि किसी के गाए हुए गाने पे स्लो मोशन लगा के, स्लो मो लगा के ऐसे वॉक करके आने में क्या टैलेंट है? ये किसी की गाड़ी उधार मांग के, किसी की पराठो उधार मांग के, ठीक है जी, और स्पॉन्सर किए हुए कपड़े पहन के और चश्के से उस पराठों से उतर के चश्मा उतरा के स्लो मो में आने की क्या जरूरी, क्या टैलेंट होता है भाई? मुझे समझ नहीं आती, आई जस्ट डोंट गेट इट। मेहनत करो यार, क्या अपने आप को, अपने आप को दिखा रहे हो तो बहुत अमीर है। ये भी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, वो एक आधी गाड़ी है वो मैंने कोई 10 टिकटॉकरों के पास देखी है, 10 टिकटॉकर्स वही गाड़ी यूज कर रहे होते हैं, उसकी मांग उसकी मांग, उससे करना क्या, सिर्फ उतरने का, दरवाजा खोल के उतरने का स्लो मोशन बनाना है, स्लो मो बनाना है, चल के आना है। क्या यार, क्या शोधापन है ये? खैर, अगर आपको मेरी बात से अगर आप इत्तफाक करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब पता चला मुझे कि इसकी डिटेल क्या है आखिर, मतलब क्या सीन था शलवार ट्रेंड होने का, मतलब शलवार कौन ट्रेंड करवाता है? पब्लिक ने ट्रेंड कराया, जो खिलाफ होंगे उन्होंने ट्रेंड कराया होगा, मैं पक्का हूँ इस बात पर कि हाँ उन्होंने ही करवाया होगा, क्यों यही लगा होगा कि ये गलती से हो गया। लेकिन जब आप उनका कैप्शन पढ़ेंगे, उस अकाउंट का कैप्शन पढ़ेंगे, उस लड़की का अकाउंट चेक करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाता है, जैसा इसमें क्लियर हुआ कि सब कुछ किया हुआ उस लड़की का था। और दो चार कमेंट मैंने भी पढ़े और बहुत ही गंदे कमेंट्स थे वो, जो मैं ज़ुबान से यहाँ पर नहीं पढ़ सकता, और ना ये पढ़ सकते थे क्योंकि आप सब लोग देखते हैं और ये चीज़ सब ने देखी होगी, उसके घर वालों ने भी देखी होगी। तो भाई इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करके? शायद इनको घर से ज़्यादा ही छूट मिल रखी होगी, या फिर ये उस छूट का ही नतीजा होगा जो इन्होंने किया है। अच्छी बात है कि बहुत ही छोटा ग्रुप है ऐसे लोगों का जो फेमिनिज़म के नाम पर, फेमिनिज़म नहीं है ये, बिल्कुल आप इसको फेमिनिज़म नहीं कह सकते, फेमिनिज़म हक की बात होती है, आप अपने हक्स के लिए आगे बढ़ें, अपने टैलेंट के बूते पर आपको अगर कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं एंड स्ट्रगल करें उस चीज़ को पाने के लिए जो आपका हक है,
उसको सामने रखें लोगों के। अगर कोई आपको कुचलकर आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हक के दायरे में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बात तो सही लगती है कि हाँ फेमिनिज़्म के नाम पर जायज़ चीज़ें की हैं, लेकिन फेमिनिज़्म के नाम पर भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, कौन सी मर्जी, कैसी मर्जी, कपड़े उतारना मेरी मर्जी है, बिना शलवार के घूमना पब्लिक में मेरी मर्जी है, छत पर पता नहीं कहाँ आउटडोर में ये शूट कर रही थी लड़की, इसने पोस्ट भी कर दिया, उसके बाद ट्वीट्स भी किए लगातार बहुत सारे, तो ये कौन सी मर्जी है, ये कौन सा फेमिनिज़्म है, मुझे समझाओ भाई कमेंट कर कर। अगर इसके सपोर्टर है कोई इस वीडियो को देखता हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि भाई ये कौन सा फेमिनिज़्म है और ये क्या है, इससे क्या मिलेगा। चलो मान लिया कोई कुछ नहीं कहे अगर ऐसी लड़कियों को, तो वो स्ट्रीट पर जाएं, जो इनर वियर्स हैं उनको पहन कर निकलें, या फिर कुछ भी ना पहन कर निकलें रोड पर जाएं, तो उससे क्या मिलेगा। एक फ़ायदा या उससे एक सुकून अगर मिल रहा हो, या फिर आपकी रूह सेटिस्फाई हो उस चीज़ से, तो वो बता दें क्या वो मिल पाएगा। सच में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो लिबास में बात है, जो जिस्म बनाया है लड़की का ऊपर वाले ने, तो उसको बचाकर ढककर उसको बुरी नज़रों से बचाने के लिए ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, दिमाग भी दिया है, और लेकिन वही चीज़ यूज़ नहीं करती हैं ऐसे लोग। ना लिबास यूज़ कर रही हैं आजकल की लड़कियां, ना दिमाग यूज़ कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही। कुछ चुनिंदा लड़कियों को चाहिए कि भाई उनको ऐसी आज़ादी दी जाए कि रोड पर वो बिना कपड़ों के निकल जाएं और कोई कुछ भी ना कहे उनको, ऐसे रहना चाहते हैं भाई। अपने घर में रहो, अपने रूम में रहो, अपने शादीशुदा ज़िंदगी में रहो, जहाँ जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन खुले आम जो एक दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है। कपड़े क्यों पहनते हैं लोग, इसका भी मतलब मुझे कमेंट कर बताइए, कपड़े बने ही क्यों हैं। जब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ही होना था तो पैदा तो नंगे हुए थे, तो ज़िंदगी भर नंगे रहते ना सब लोग, अजीब बात है। अच्छा इस वीडियो में इतना ही, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी देख रहा है इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।